हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो, आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस अराउंड 300 एमसीक्यूज जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर ICAR PG एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको बता दें कि दिस ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनिमल रिफ्रेशर बुक, एनिमल साइंस रिफ्रेशर बुक। सो आप सभी लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं और वहाँ यहाँ पर हम लोग वही सॉल्व करवा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था? तो स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय केलनर। ओके, स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय केलनर। सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, इट वॉज गिवन बाय एट वाटर। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू वॉज गिवन बाय एट वाटर। देन हे इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय थार। हे इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय थार। सो स्टार्च इक्विवेलेंट बाय केलनर, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू बाय एड वाटर, हे इक्विवेलेंट सिस्टम बाय थार। देन DCP TDN एंड DM सिस्टम वॉज गिवन बाय, सो दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय मॉरिसन। दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय मॉरिसन। एंड NEN ट्रू प्रोटीन सिस्टम वॉज गिवन बाय आर्म्स बाय। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्च इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय केलनर। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू वॉज गिवन बाय एड वाटर। हे इक्विवेलेंट सिस्टम वॉज गिवन बाय थार। DCP TDN DM सिस्टम वॉज गिवन बाय मॉरिसन। NEN ट्रू प्रोटीन सिस्टम वॉज गिवन बाय आंस बाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। सो आपको बता दूं कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? थायमिन एंड बायोटिन। सल्फर कंटेनिंग अमोनियो एसिड्स सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ओके, सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम्स ग्लूटाथियन परोक्सीडेज। सो दिस ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग हॉर्मोन्स। सल्फर कंटेनिंग हॉर्मोन कौन कौन से है? सो सल्फर कंटेनिंग हॉर्मोन इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। द राइट आंसर इज इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, ऑल ऑफ दी अबव आर सल्फर कंटेनिंग हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। सॉरी, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ शुगर। 1 ग्राम ऑफ शुगर से कितना मेटाबॉलिक वाटर निकलेगा? सो द राइट आंसर इज 0.06 ग्राम्स। ओके, 0.06 ग्राम्स। एनर्जी लॉस इन मीथेन प्रोडक्शन इज, एनर्जी लॉस इन मीथेन प्रोडक्शन। आपको पता है ह्यूमन में मीथेन का प्रोडक्शन होता है, तो उसके थ्रू कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है? ये क्वेश्चन इस बार का NPPSC के VS में भी आया था। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज 7 to 9% ऑफ द ग्रॉस एनर्जी। 7 to 9% ऑफ द ग्रॉस एनर्जी। देन सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्रॉस एनर्जी कंटेंट ऑफ मीथेन इज, ग्रॉस एनर्जी कंटेंट ऑफ मीथेन। द राइट आंसर इज 13.34। 13.34, दिस इज वेरी स्पेसिफिक वैल्यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 13.34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, VFA रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क फैट सिंथेसिस। मिल्क फैट सिंथेसिस के लिए कौन सा VFA रेस्पॉन्सिबल है? सो एसीटेट इज द राइट आंसर। एसीटेट इज द राइट आंसर फॉर द मिल्क फैट सिंथेसिस, एसीटेट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज VFA रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क शुगर लैक्टोस। लैक्टोस के लिए कौन सा है? तो मिल्क फैट के लिए एसीटेट हो गया, तो लैक्टोस के लिए कौन सा बचा? मिल्क फैट के लिए एसीटेट हो गया, लैक्टोस के लिए कौन सा बचा? प्रोपियोनेट। यस, प्रोपियोनेट इज द राइट आंसर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिल्क फैट के लिए एसीटेट एंड मिल्क शुगर या लैक्टोस के लिए प्रोपियोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, ब्रेन शुगर, ब्लड शुगर, मिल्क शुगर एंड कैन शुगर। ओके, नाइस क्वेश्चन। सो ब्रेन शुगर हम किसको बोलते हैं? ब्रेन शुगर हम बोलते हैं गैलेक्टोस को। ब्रेन शुगर इज गैलेक्टोस। ओके, देन ब्लड शुगर की बात आती है तो हम किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को, ग्लूकोज। देन मिल्क शुगर आप सभी लोग को पता है मिल्क शुगर किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। देन केन शुगर किसको बोलते हैं? केन शुगर होता है हमारा सुक्रोज। केन शुगर इज सुक्रोज। एंड फ्रूट शुगर कौन सा होता है? फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज। ओके, सो वंस अगेन, ब्रेन शुगर इज गैलेक्टोज, ब्लड शुगर इज ग्लूकोज, मिल्क शुगर इज लैक्टोज, केन शुगर इज सुक्रोज एंड फ्रूट शुगर कौन सा है? फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट, मोल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मोल ऑफ एसीटेट, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटारेट। एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटारेट में सबसे ज्यादा ATP कौन बनाता है? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक सो द राइट आंसर इज
10:17:25. So acetate makes 10 ATP, propionate makes 17 ATP, and deuterate makes 25 ATP. Okay, so you have to remember this, very important. 10, 17, and 25. Next question. Ratio of production of acetate, propionate, butyrate in the rumen is. Acetate, propionate, and butyrate in rumen. What is the ratio of that? So the right answer is acetate, propionate, butyrate ka ratio kya hota hai? 65:20:10. 65:20:10. Okay. Acetate 65, propionate 20, and butyrate 10. Nice. Okay, next question. Milk replacer. Milk replacer is. Which of the following is a milk replacer? So the right answer is goat milk. Goat milk is commonly used as a milk replacer. Okay. Next question. 1 minute. Okay. Okay, next question. The milk replacer is a substitute for. Milk replacer is a substitute for whole milk. Whole milk. Next. For proper growth of calf, whole milk feeding is desired up to the age of. For proper growth of calf, whole milk feeding is desired up to the age of. Whole milk feeding kab tak karana chahiye? To whole milk feeding apan ko karana chahiye 90 days tak. 90 days, okay? 90 days. Calf starter contains. So this is very interesting question. Calf starter contains what? So 19% DCP. 19% DCP, 25% crude protein, and 75% TDN. This is the right answer. 19% DCP, 25% CP, and 75% TDN. Metabolic water produced by oxidation of 1 gram of protein. 1 gram of protein se kitna metabolic water banta hai? So the right answer is 0.4 grams. Okay. Next question. Anti-vitamin A, anti-vitamin K, anti-vitamin B1. Okay. So you have to match. So the right answer is anti-vitamin A is raw soya bean. Okay. Anti-vitamin K. It is dicumarol. This is also very important. Anti-vitamin K, dicumarol. Anti-vitamin B1, hai na? So this is raw fish. Then antibiotin, this is avidin. Okay, then anti-vitamin E, this is raw kidney bean. So once again we will revise: anti-vitamin A, raw soya bean; anti-vitamin K, dicumarol; anti-vitamin B1, raw fish; antibiotin. Antibiotin is avidin. Anti-vitamin E is raw kidney bean. Okay. Next question. Egg white injury factor. So egg white injury factor is avidin. Next question. Match the following. Aapko karna hai yahan pe solve. So groundnut cake is matched with aflatoxin because this is the anti-nutritional factors. Then soya bean is basically trypsin inhibitor. Then sorghum is basically durin. Bitter almond is basically amygdalin. Then subabil is basically mimosin. And molasses is oxalates. Okay, so we will revise. Groundnut cake is basically aflatoxin. Soya bean is basically trypsin inhibitor. Sorghum is basically durin. Bitter almond is basically amygdalin. Subabul is basically mimosin. And molasses is oxalates. Okay. Fecal energy loss. 1 minute. Okay. Fecal energy loss in percentage of gross energy intake in ruminant is. So how much fecal energy is lost in, basically how much percentage of fecal energy is lost of gross energy? So this is basically 40 to 50%. 40 to 50% of energy is lost as feces. So this is the right answer, 40 to 50%.
बट इट वॉज इन रूमिनेंट. ओके नाउ फीकल एनर्जी लॉस इन केस ऑफ हॉर्स, इन केस ऑफ हॉर्स वॉट इज द फीकल एनर्जी लॉस इन केस ऑफ हॉर्स. सो द राइट आंसर इज 35 to 40%. 35 to 40%. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीकल एनर्जी लॉस इन केस ऑफ पिग, इन केस ऑफ पिग. सो द राइट आंसर इज 20%. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक. हॉर्स में 35 to 40, रूमिनेट में 40 to 50 एंड पिग में 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिनरी एनर्जी लॉस इन केस ऑफ कैटल इज, यूरिनरी एनर्जी लॉस कितना होता है? सो दैट इज 4 to 5%. 4 to 5%. ओके देन यूरिनरी एनर्जी लॉस इन केस ऑफ पिग्स. सो द राइट आंसर इज 2 to 3%. 2 to 3%. In case of pigs, it is 2 to 3%. In case of cattle, it is 4 to 5%. Next question, which of the following pair is correctly matched? Correct matching. Okay. So you have to guess the correct matching. So the 1 kg TDN is 4.4 megacalorie DE. 4.4. Okay. DE. 1 kg TDN is 0.86 starch equivalent. 1 kg TDN is 3.6 megacalorie ME. I think so all of these data are correct. So all of the above is the right answer. Next question. Match the following product with the moisture content. So the moisture content you can measure. If you think this video is going slow, you can increase the speed of the video. 1.25 or 2x if you want. So 26 silage. What is the moisture content of silage? Okay. So the moisture content of silage is 60 to 70%. And for hay, we know that the moisture content in hay is the lowest, 12 to 14% in hay. And then in case of haylage it is 45 to 55%. In case of cereals, it is 11%. And in succulent fodder, it is 80 to 90%. Okay, so in silage it is 60 to 70%, in haylage it is 45 to 55%, in hay it is 12 to 14%. Okay, in very good silage the pH and ammonical nitrogen concentration ranges between. So it is asked in very good silage. Okay, so the right answer is 3.5 to 4.2. And ammonium nitrogen should be less than 10%. So this is the right answer. Yes. Next question. Which of the following statement is true? Okay. So major inorganic element in plant are potassium and silicon. So this is right. Major inorganic element of animals are calcium and phosphorus. This is also right. So both A and B are right. Okay, next question. Protein estimation of milk. So this is a very important question. This is matlab very very important because it has been repeated in the examinations quite oftenly. So match the following protein estimation of milk. So we will match this 6.38. Protein estimation in milk 6.38. okay. And second, protein estimation of feed stuff. It is 6.25. You have to learn this. This is just a data. Energy estimation of fat. Energy estimation of fat is 2.25. Energy estimation of fat. Gross energy of protein. So gross energy of protein is basically 1.25. Then protein estimation of cotton seed is basically 5.3. so this is just raw data, you have to learn this. Okay, protein estimation of milk is 6.38. protein estimation of feed stuff is basically 6.25. energy estimation of fat is 2.25. gross energy of protein is 1.25. protein estimation of cotton seed is 5.3. just remember I think so this one is important. Milk and feed stuff already, you know, 6.25. otherwise it's okay.
दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टू, एंड यू कैन फॉरगेट द रेस्ट, बट यू शुड लर्न इफ यू वॉन्ट. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. ओके, राइबोफ्लेविन, कॉलिटोप्रेज. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइबोफ्लेविन इज मैच्ड विथ कॉलिटोपैरालिसिस. राइबोफ्लेविन कॉलिटोपैरालिसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विटामिन ई. विटामिन ई इज मैच्ड विथ क्रेजी चिक डिजीज. देन थायमिन. थायमिन इज मैच्ड विथ पॉलीन्यूराइटिस. ओके, पॉलीन्यूराइटिस. देन विटामिन बी फाइव. विटामिन बी फाइव. विटामिन बी फाइव इज मैच्ड विथ गूज स्टेपिंग इन पिग्स. ओके, देन बायोटिन. बायोटिन इज मैच्ड विथ स्पेक्टिकल आई इन रैट्स. ओके, सो वंस अगेन वी विल रिवाइज. राइबोफ्लेविन कॉलिटोपैरालिसिस. विटामिन ई. विटामिन ई इज बेसिकली क्रेजी चिक डिजीज. थायमिन इज बेसिकली पॉलीन्यूराइटिस. विटामिन बी फाइव इज गूज स्टेपिंग इन पिग्स. एंड बायोटिन इज बेसिकली स्पेक्टिकल आई इन रैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपर, जिंक. ओके, सिमिलर क्वेश्चन. वी आर अ 31 क्वेश्चन. वी आर हियर टू कंप्लीट 200 क्वेश्चंस. वी हैव रीच 31 क्वेश्चंस. सो 31 नंबर क्वेश्चन. कॉपर, स्टिंजी वुल. कॉपर इज रिलेटेड विद स्टिंजी वुल. यस, स्टिंजी वुल. देन जिंक. जिंक इज रिलेटेड विद पैराकेराटोसिस इन पिग. मैग्नीज इज रिलेटेड विद. मैग्नीज इज रिलेटेड विद पेरोसिस. ओके, एंड फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज रिलेटेड विथ एलो एलिट्रोफेजिया. एलिट्रोफेजिया. ओके, दैट इज बेसिकली पायका. फॉस्फोरस इज रिलेटेड विथ पायका. एलिट्रोफेजिया मीन्स पायका. पायका मीन्स ईटिंग एनीथिंग विदाउट इवन थिंकिंग. लाइक एनिमल्स विल ईट एवरीथिंग, इवन योर सॉक, इवन योर वुड. इट विल ईट एनीथिंग. सो दैट डिजीज इज नोन एज पायका एंड इट इज कॉज्ड बाय द फॉस्फोरस डेफिशियंसी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिट्रोफेजिया. कैल्शियम. कैल्शियम इज रिलेटेड विद एक्लेम्शिया इन बिच. एक्लेम्शिया इन बिच. ओके, सो यू कैन मैच दिस. दिस इज वेरी इजी. नेक्स्ट, एंजोटिक नियोनेटल अटैक्सिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. एंजोटिक. एंजोटिक नियोनेटल अटैक्सिया. ओके, सो दिस इज रिलेटेड विद कॉपर डेफिशिएंसी. कॉपर डेफिशिएंसी. नेक्स्ट, ब्लाइंड स्टगर, एल्कली डिजीज, डेग्नुलर डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ. सो द राइट आंसर इज सेलेनियम. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेंगुइन लाइक स्क्वेट इन द हैन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. पेंगुइन लाइक स्क्वेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज विटामिन डी थ्री. विटामिन डी थ्री. ओके, विटामिन डी थ्री. आई थिंक सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिथेट फ्रॉग पोजिशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. पिथेट फ्रॉग. ओके, नाइस. विटामिन सी इज द राइट आंसर. पिथेट फ्रॉग. फेदर पिगमेंट ट्यूरासिन कंटेंस. फेदर पिगमेंट ट्यूरासिन कंटेंस. फेदर पिगमेंट ट्यूरासिन कंटेंस. सो दैट इज सी यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पल्सेस इन मिथियोनियन. सॉरी, लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पल्सेस इज मिथियोनिन. वाइल इन सीरियल्स इट इज. सो इन पल्सेस इट इज मिथियोनिन. इन सीरियल्स इट इज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लाइसिन इज द राइट आंसर. लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सीरियल्स इज लाइसिन. ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर इज बेसिकली क्रोमियम. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर इन इज क्रोमियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लेज इंडेक्स इज यूज फॉर द एवैल्यूएशन ऑफ साइलेज क्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सन ड्राइड किसको करते हैं हम? हे को. सो हे इज द राइट आंसर. ग्रीन सकलेंट फॉर्डर कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम बाय मेकिंग. ग्रीन सकलेंट फॉर्डर को अपन कैसे स्टोर करेंगे? बाय मेकिंग साइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ट क्रॉप फॉर हे एंड साइलेज मेकिंग आर. बेस्ट क्रॉप फॉर हे एंड साइलेज मेकिंग आर ओट एंड मेस. यस, ओट एंड मेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली एनारोबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज. एनारोबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज. सो दिस इज बेसिकली वेस्टलेज. ये जो डेफिनेशन दी हुई है वेस्टलेज की डेफिनेशन है. एनारोबिकली फर्मेंटेड एनिमल वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज नोन एज वेस्टलेज. ओके,
बेस्ट क्रॉप फॉर हे मेकिंग इज ओट, बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज मेज. ग्रीन फॉरेज दैट आर कट एंड फेड इन फ्रेश कंडीशन टू एनिमल्स इज नोन एज ग्रीन फॉरेज दैट इज कट एंड फेड इन फ्रेश कंडीशन टू द एनिमल्स. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ग्रीन चॉप और साइलेज बोथ ऑफ द अबव. ओके. मेटाबॉलिक वाटर कंपराइजेस डैश परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इनटेक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. मेटाबॉलिक वाटर में कितना वाटर होता है? सो 5 to 10%. 5 to 10%. डीसीपी ऑफ ग्राउंड नट केक इज, डीसीपी ऑफ ग्राउंड नट केक. सो यू नो द केक्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ डीसीपी. सो 45%. टीडीएन ऑफ कॉटन सीड केक. सो केक्स यू नो दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो. सो 80% ऑफ द एनर्जी. डीसीपी ऑफ वीट स्ट्रॉ. वीट स्ट्रॉ यू नो दे कंटेन वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड इन दैट प्रोटीन ऑल्सो द डाइजेस्टिबल प्रोटीन इज ऑलमोस्ट जीरो. सो क्रूड प्रोटीन मे बी 2-3%, बट द डीसीपी इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल अमीनो एसिड. एसेंशियल अमीनो एसिड एंड एसेंशियल फैटी एसिड इन कैट आर रेस्पेक्टिवली इन कैट. सो टोरिन एंड एरेकिडोनिक एसिड. एसेंशियल अमीनो एसिड इज टोरिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड इज एरेकिडोनिक एसिड. ओके. स्टार्च इक्विवेलेंट बेस्ड एनर्जी सिस्टम इज गिवन बाय. स्टार्च इक्विवेलेंट वॉज गिवन बाय बेसिकली. सो द राइट आंसर इज कैलेनर. ओके नाइस. सो 51 वाले का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. सो 51 का है यहाँ पर VFA having maximum absorption rate. सो VFA having maximum absorption rate, इसका जो आंसर है दैट इज सबसे ज़्यादा absorption जो होता है वो होता है ब्यूटारेट का. ब्यूटारेट इज द राइट आंसर. देन डोमेस्टिकेटेड ruminant with highest BMR and highest normal body temperature. सो आई थिंक सो इसका क्या होना चाहिए? डोमेस्टिकेटेड रूमिनेंट विथ हाईएस्ट बीएमआर एंड हाईएस्ट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज गोट. गोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूमिनल बैक्टीरिया. रूमिनल बैक्टीरिया के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? सो द मेजोरिटी ऑफ रूमिनल बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव एंड ऑब्लिकेट एनरोप्स. ओके. पॉपुलेशन ऑफ रूमन बैक्टीरिया इज अराउंड 10^9 to 10^11. ओके. दे आर वेल ग्रोइंग एट 39°C टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. रिमूवल ऑफ प्रोटोजोआ फ्रॉम रूमन इज नोन एज. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफॉनेशन. डिफॉनेशन इज द रिमूवल ऑफ प्रोटोजोआ फ्रॉम द रूमन. केमिकल एजेंट्स यूज फॉर डिफॉनेशन इज कॉपर सल्फेट, सोडियम लॉरो सल्फेट, बोथ ऑफ द अबव. So, the right answer is both of the above. Copper sulfate and sodium lauryl sulfate, both can be used for the case of defaunation. Okay. Yes, next question. Animal protein factor, chicken growth factor, anti-pernicious anemia are the other names of. So, all these three conditions are related with vitamin B12. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इज विटामिन ए. एंटी स्टेरिलिटी विटामिन दिस इज विटामिन ई. एंटी स्टेरिलिटी इज विटामिन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्ट्रेस विटामिन. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी इज एंटी स्ट्रेस विटामिन. रफेज कंटेंट्स परसेंटेज ऑफ क्रूड फाइबर एंड TDN. So this is a very very easy question. Roughage contains higher than 18% crude fiber and TDN is actually lower than 60%. So option A will be correct. Then basal feed or the energy feed content. So the feed having higher energy will obviously contain lower protein. So the CP will be less than 20 and the crude fiber will also be less than 18. Okay, so this is the right answer. CP and CF less than 20 basically. Microflora of rumen contains bacteria, fungi and protozoa. So all of the above is the right answer. Microfauna of the rumen contains microfauna. Just 1 minute, let me check the answers. Yes, okay.
सो माइक्रोफोना, माइक्रोफोना कंटेन्स प्रोटोजोआ, बेसिकली माइक्रोफोना इज प्रोटोजोआ एंड माइक्रोफ्लोरा, सो माइक्रोफ्लोरा इज बैक्टीरिया, यस माइक्रोफ्लोरा इज बैक्टीरिया, माइक्रोफोना इज प्रोटोजोआ, दिस इज नॉट ऑल ऑफ द अबव, माइक्रोफ्लोरा इज बेसिकली बैक्टीरिया एंड माइक्रोफोना इज प्रोटोजोआ. ओके, ह्यूमन माइक्रोब्स कंसिस्ट ऑफ, नाउ दिस विल बी आई थिंक सो ऑल ऑफ द अबव. हाँ ठीक है, ह्यूमन माइक्रोब्स कंसिस्ट ऑफ, सो ह्यूमन माइक्रोब्स कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियोफेज, ऑसिलोस्पायरा, सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर. माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, आई थिंक सो द राइट आंसर इज माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटोजोआ. यस, ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ ज़ेबुकुडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन एवरी एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड. सो द राइट आंसर इज 2.5, 2.5 kg, 2.5 kg पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट. सो इफ अ कैटल इज अप्रॉक्सीमेटली 400 kg इन बॉडी वेट, सो इट विल रिक्वायर अराउंड 10 kg ऑफ द ड्राई मैटर. ओके, बिकॉज 2.5 kg पर 100 kg, सो इफ यू डू द कैलकुलेशन इट विल बी 10 kg फॉर अ 400 kg बॉडी वेट कैटल. देन डायमीटर रिक्वायरमेंट फॉर बफेलो एंड क्रॉसब्रीड काउ आर, सो इट विल इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, यू हैव टू रिमेंबर 3 kg पर 100 kg ऑफ बॉडी वेट. सो 3 kg फॉर बफेलो एंड क्रॉसब्रेड एंड फॉर ज़ेबू कैटल इट इज़ 2.5 kg. मेंटेनेंस राशन फॉर ज़ेबू कैटल इज, मेंटेनेंस राशन फॉर ज़ेबू कैटल, नाइस क्वेश्चन, मेंटेनेंस राशन फॉर ज़ेबू कैटल इज, सो 4 kg फॉर, सो द राइट आंसर इज 4 kg स्ट्रॉ एंड 1 kg कंसनट्रेट. ओके, 4 kg स्ट्रॉ एंड 1 kg कंसनट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन राशन ऑफ ज़ेबू कैटल इज, प्रोडक्शन राशन मीन्स वॉट, टू बेसिकली सप्लाई दैट अमाउंट ऑफ फीड इन ऑर्डर टू फुलफिल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, सो वॉट इज दैट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन राशन, सो दैट इज बेसिकली 1 kg, 1 kg कंसनट्रेट पर 2 kg ऑफ द, 2.5 kg ऑफ द मिल्क. फॉर अ ज़ेबू कैटल इट इज 2.5 kg एंड फॉर द बफेलो, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन राशन फॉर बफेलो एंड क्रॉसब्रेड, सो फॉर बफेलो एंड क्रॉसब्रेड दैट इज द राइट आंसर इज 1 kg कंसनट्रेट फॉर 2 kg ऑफ द मिल्क. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, फॉर बफेलो एंड क्रॉस ब्रेड इट इज 2 kg एंड फॉर ज़ेबू कैटल इज 2.5 kg. ओके, सो यू हैव टू सप्लाई 1 kg एक्स्ट्रा कंसनट्रेट फॉर द, फॉर बेसिकली फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मिल्क प्रोडक्शन इन केस ऑफ ज़ेबू कैटल एट द रेट ऑफ 2.5 एंड इन केस ऑफ बफेलो एंड क्रॉस ब्रेड इट इज 2, इट इज़ बेसिकली 2 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी रूमिनेंट अकॉर्डिंग टू वॉन सॉस्ट, सो मिनी रूमिनेंट, मिनी रूमिनेंट, एज आई टोल्ड यू दैट प्रोटोजोआ इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस, सो प्रोटोजोआ कंट्रोल्स द बैक्टीरियल पॉपुलेशन, सो प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ इज नोन एज अ मिनी रूमिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 और अमोनिया, सो द ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज बेसिकली वॉट, 5 to 8, यस 5 to 8 mg पर DL. यूरिया नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डाइट ऑफ, यूरिया कैन नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डाइट ऑफ, सो यूरिया इज नॉट गिवन इन केस ऑफ, सो द राइट आंसर इज यंग काफ, हॉर्स एंड पिग, डॉग, सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. यूरिया टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इन कैटल व्हेन, यूरिया टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इन कैटल, सो यूरिया टॉक्सिसिटी विल अकर इन द ह्यूमन, ह्यूमन अमोनिया लेवल एक्सीड्स 80 mg पर DL, अमोनिया कंसेंट्रेशन इन ब्लड एक्सीड्स 1 mg पर DL, बोथ आर करेक्ट, नन आर करेक्ट, सो बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देन 75 इज बेसिकली यूरिया टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड बाय, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज हियर यू कैन गेट कन्फ्यूज, 5% एसिटिक एसिड, 10% एसिटिक एसिड, ड्रेंचिंग विद, ड्रेंचिंग विद कोल्ड वाटर, सो इन मैनी बुक्स दे हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, बट द मोस्ट करेक्ट आंसर इज
बोथ बी एंड सी, 10% एसिटिक एसिड एंड ड्रंचिंग विथ कोल्ड वाटर। यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ विल इंक्रीज, यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ विल इंक्रीज। सो इफ द स्ट्रॉ इज ट्रीटेड विथ यूरिया सो इट विल इंक्रीज वॉट, डी सी पी, टी डी एन, पैलेटेबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो यूरिया ट्रीटमेंट विल इंक्रीज डी सी पी, इट विल इंक्रीज टी डी एन, इट विल इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी एंड डाइजेस्टिबिलिटी। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, ओके ओके। सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम ग्लूटाथियन परऑक्सीडेज, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यूरिकेस, जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन आईसीआर एग्जामिनेशन, आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। व्हेन आई गिव द आईसीआर एग्जामिनेशन दिस स्पेसिफिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वॉज आस्क्ड ड्यूरिंग माई टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज एनपीएन इन केस ऑफ ruminant ration is, most commonly used NPN in case of ruminant ration. So the right answer is urea. Urea is the most commonly used NPN compound. Which of the following statement is not true? Copper molybdenum acts as antagonist, vitamin E selenium and synergistic. Alkali disease is caused by deficiency of selenium, tetanus is caused by toxicity of molybdenum. So which of the following is not correct? So alkali disease is caused by the deficiency of selenium. So this is not correct. Okay. Alkali disease is not caused by the selenium deficiency. I think so it is caused by the toxicity of selenium. Next question. Which of the following is true about straw and stovers? So deficient in minerals, poor digestibility, poor in crude protein. I think so all of the above is the right answer. Most of the questions have all of the above as the right answer. Next question, which of the following is true about roughages feed stuff? Roughage feed stuff. They are bulky and low density feed, poor in digestibility, low energy content or TDN, all of the above. So this is also all of the above. Which of the following is not classified under roughage? Which of the following is not a roughage? Is not a roughage. Okay. This is interesting question. Straw and stovers, molasses, hay and silage, husk and hull. So molasses is not considered as a roughage. Which of the following is true about concentrate feedstuff? Concentrate feedstuff, okay. So the option is high density feed, high digestible, high energy content, all of the above. So all of the above is the right answer. Which of the following is in vivo method of digestibility estimation? In vivo method. In vivo method. So this is interesting question. In vivo method is basically Dacron bag and nylon bag, Viva technique, both of the above, none. So in vivo is basically both nylon and Dacron bag and Viva technique. Nice. This is also very important question. In vivo, Dacron and Viva technique. Internal or natural indicator that is used in digestibility estimation. So internal indicator. Which of the following is an internal indicator? Lignin, silica, acid insoluble ash. So all of the above. These are the examples of internal indicator. Next, external indicator. External indicator ka examples kya kya hai? Chromium oxidase, carmine red dye, magnesium ferrite. So all of these are basically correct. So these are basically correct. Okay. Next question. Next question is the matching question, respiratory coefficient. So you have to match the respiratory coefficient according to the following. So protein is basically having respiratory coefficient of 0.8. Yes. Then fat is having respiratory coefficient of fat is having 0.7. Let me check also. Carbohydrate have 1 and rapidly fattening hogs have greater than 1, I think so, you know, 4th ka D hona chahiye aur fasting ka jo hoga wo 1 se bhi kam hoga, so less than 0.7. so accordingly you can arrange protein have 0.8
एंड फैट हैव 0.7, कार्बोहाइड्रेट हैव 1, रैपिडली फैटनिंग हॉग्स हैव ग्रेटर देन 1, एंड फैटनिंग एनिमल हैव पॉइंट लेस देन 0.7. डाइजेस्टिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल. सो डाइजेस्टिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर विच अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल. अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल, बेसिकली दिस इज आस्किंग. सो द राइट आंसर इज टोटल एश. आई थिंक सो दिस इज रॉन्ग. टोटल एश कैन बी डाइजेस्टिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल. ओके ओके. सो दिस इज बेसिकली टोटल एश बिकॉज डाइजेस्टिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द टोटल एश. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी विच आर द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल इज नॉट डिटरमाइंड बाय अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस. सो दिस इज द राइट आंसर इज एन एफ ई. आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज. सो द राइट आंसर इज एन एफ ई फॉर दिस क्वेश्चन एंड टोटल एश फॉर डाइजेस्टिबिलिटी क्वेश्चन. देन क्रूड प्रोटीन एज द फॉलोइंग एनालिसिस मेथड. ओके दिस इज वेरी सिंपल. क्रूड प्रोटीन. ओके क्रूड प्रोटीन इज बेसिकली एस्टिमेटेड बाय जलडाल मेथड. ईथर एक्सट्रैक्ट. सो ईथर एक्सट्रैक्ट इज बेस्ड बाय सॉक्सलेट अपैरेटस. टोटल एश इज डन बाय मफल फर्नेंस. थर्ड का ई हो जाएगा. मॉइस्चर इज कैलकुलेटेड बाय हॉट एयर ओवन एंड कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस इज बेसिकली एन एफ ई. एज आई टोल्ड यू NFE is the only approximate principle which is calculated by difference. So next question. In Windey system of approximate analysis, the Windey is the name of. Windey is the name of. So in case of Windey system of analysis, the Windey is the name of. So Windey is not a scientist. It is an experimental station. It is an experimental station. Portion of carbohydrate which is not easily digestible like cellulose, hemicellulose, lignin. Fall under the category of. So these all cellulose, hemicellulose, lignin, they are under the category of. So this is very important question. They are under the category of crude fiber. Crude fiber. Next, in detergent method of forage analysis, acid detergent fiber does not include. In detergent method of forage analysis, acid detergent fiber does not include. So basically, this is the right answer is hemicellulose. This is very important question because this has been asked in ICAR examination multiple times. This question is very important. Acid detergent fiber does not include. So ADF includes cellulose, lignin and silica, but it does not include hemicellulose. Okay, then you have to basically match the following 94. So acid detergent fiber, as I told you, cellulose, lignin and silica are coming under ADF. Neutral detergent. Okay, so neutral detergent, you know, neutral detergent is sodium lauryl sulfate. Acid detergent, so you have to match acid detergent, that is basically CTAB. Then acid detergent soluble, that is hemicellulose. So this question is also very important. Neutral detergent sodium lauryl sulfate, acid detergent is CTAB, ADS is basically hemicellulose, ADF is basically cellulose, lignin and silica. Digestibility of ash cannot be determined because it does not contribute to energy content of feed. It is not a source of protein, not a source of carbohydrate. So which of the following is correct? I think so. The option 1 is basically the most correct option. Digestibility of total ash is not determined because it does not contribute to the total energy of the feed. In digestibility trial, dash animals are preferred. In digestibility trial, which animals are preferred? Castrated males. Sorry for that stammer. So castrated males are preferred in digestibility trial. Next question. In digestibility trial, which are the following are used and collected for estimation? So in digestibility trial, will you collect feces? Will you collect urine? So this is very simple question. There is basically difference between digestibility and metabolic trial. In case of digestibility trial, you will only collect feces, and in case of metabolic trial, you will collect both feces and urine. So the right answer is both.
करेक्शन पीरियड ऑफ डेस्टिबिलिटी ट्रायल इन केस ऑफ रूमिनेंट एज वेल एज नॉन रूमिनेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस. सो द राइट आंसर इज कलेक्शन पीरियड इज 7 to 10 days. 7 to 10 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फेज मार्कर इंडिकेटर फॉर डस्टिबिलिटी एस्टिमेशन. सो लिक्विड फेज मार्कर और इंडिकेटर फॉर डस्टिबिलिटी एस्टिमेशन. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कोबाल्ट EDTA, PEG एंड क्रोमियम EDTA. सो दीज वर द 100 क्वेश्चन. वी विल कम्प्लीट अवर 200 क्वेश्चन इन द सेकेंड पार्ट. सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड फॉर द सेकेंड पार्ट यू कैन कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन आई विल मेक द सेकेंड पार्ट ऑल्सो इन विच आई विल कवर द नेक्स्ट 100 क्वेश्चन. सो वी विल कम्प्लीट अवर 200 क्वेश्चन फॉर द एनिमल न्यूट्रिशन. आई होप सो यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड बाय बाय.